एक कंटेंप्ट जो लगा हुआ है, ये WPS 441 अब 2020 ऑर्डर हुआ था 20 जनवरी 2020 कंटेंप्ट पिटीशन के। आज क्या है, क्या इंटरेस्ट वाला है क्या सर? नो नो नो, सर्विस मैटर सर, कंटेंप्ट पिटीशन के पेज नंबर 2 मेन जो कंटेंप्ट पिटीशन है, द होनेबल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट कंसीडरेशन द इंस्टेंट पिटीशन रिगार्डिंग द रिट पिटीशन WPS 441 अभी 2020 एंड पास डे इन ऑर्डर। धीरे बोलिए ना, आप तो फ्रंटियर मेल चल रहे हैं, धीरे बोलिए, माइक से थोड़ा दूर रह के बोलिए। WPS 441 अभी 2020 में पास किया गया था 20 जनवरी 2020 को ऑर्डर किया गया था सर। पेज में WPS का जो पिटीशन है, पिटीशन के सेकेंड पेज की कंडिका 2 बोलिए, इसमें है दैट द होनेबल हाई कोर्ट कंसीडरेशन द इंस्टेंट मैटर रिगार्डिंग द रिट पिटीशन WPS ऑर्डर बताइए। आज में ऑर्डर बताया गया है कि जो स्वयं के खर्चे पे बीएड किए हुए टीचर्स हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और ट्राइबल डिपार्टमेंट के इम्प्लॉय जो हैं, जो टीचर्स थे, उनके सिमिलर पंचायत विभाग में जो इम्प्लॉय आए हुए हैं, उनको देने के लिए 2 इंक्रीमेंट रिलीज करने के लिए ऑर्डर पास किया गया था। इसमें किया गया था कि 4 सप्ताह के अंदर, 4 महीने के भीतर रिस्पोंडेंट नंबर 1 एंड 2, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड सेक्रेटरी ट्राइबल डिपार्टमेंट, इनको डायरेक्शन दिया गया था मेरे रिप्रेजेंटेशन को डिसाइड करने के लिए। मैंने 31 जनवरी 2020 को रिप्रेजेंटेशन पेश किया। ऑर्डर का डेट मैंने 20 जनवरी 2020 जल्दी को भेज दो। सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त होने के बाद मैंने ऑर्डर पास ऑन 20/1/2020 यस, इस ऑर्डर का कंप्लाइंस करने के लिए मैंने रिप्रेजेंटेशन पेश किया बाय रजिस्टर्ड डाक इंडिया पोस्ट 31 जनवरी 2020 को। रिस्पोंडेंट के कार्यालय में, रिस्पोंडेंट नंबर 1 के कार्यालय में 10 फरवरी 2020 को रिसीव हुआ। कब रिसीव हुआ? 10 फरवरी 2020 रिस्पोंडेंट नंबर 1 को। फरवरी 2020 यस, रिस्पोंडेंट नंबर 2 को 11 फरवरी 2020 को रिसीव हुआ। 10/1/20 लिखे नहीं, 10 जनवरी नहीं लिखा होगा, त्रुटि होगा। कॉपी ऑफ द ऑर्डर डेट ठीक, वो ठीक है, नेक्स्ट बताइए। यस, फिर दो कॉपी जब 10 फरवरी और 11 फरवरी को रिसीव प्राप्त हुआ उनको, उसके बाद अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लाइंस 4 महीने के अंदर में उनको करना था मेरे रिप्रेजेंटेशन को, जो मेरा रिप्रेजेंटेशन है, उस रिप्रेजेंटेशन को, मेरा रिप्रेजेंटेशन लगा हुआ एनेक्सर C2 पेज नंबर 8 ऑफ द कंटेंप्ट पिटीशन। एनेक्सर पी, एनेक्सर C2 कंटेंप्ट है ना, एनेक्सर C2 पेज नंबर 8 में मेरा रिप्रेजेंटेशन था। C2 यस, इसमें मैंने अपने वृत्तांत को पूरा लिखा, और पढ़ू क्या? उससे डिसाइड करने के बारे में है, मेरिट पे तो जा नहीं रहे हैं। मेरिट की बात है, फर्स्ट राउंड में ही होता है, हमारे हाई कोर्ट का सर्कुलर ही है, फर्स्ट राउंड में आपका रिप्रेजेंटेशन जाएगा, जब रिप्रेजेंटेशन में आएगा तो वो ऑन मेरिट पे जाएगा, ये सर्कुलर ही है हमारे। मेरे रिप्रेजेंटेशन को ऑर्डर क्या है, रिट पिटीशन में, रिट पिटीशन में ऑर्डर है, यही था रिट पिटीशन में ऑर्डर, ये लिखा हुआ है, कोर्ट ने 20 जनवरी 2020 को ऑर्डर एक डायरेक्शन दिया था, रिस्पोंडेंट नंबर 1 एंड 2 कोर्ट टेक ए डिसीजन इन द रिगार्ड अस द वेदर द पिटिशनर वुड आल्सो बी इंटाइटल्ड फॉर सिमिलर बेनिफिट अस आर बीइंग ग्रांटेड टू द रेगुलर गवर्नमेंट टीचर्स, इट इज ऑर्डर्ड अकॉर्डिंगली, लेट दिस एक्सरसाइज बी द कंक्लूडिंग विद इन ए पीरियड ऑफ 4 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीव ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर, इट शैल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पिटिशनर टू बीइंग द ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट to be notice of the respondent number 1 and 2 along with any fresh representation if they so prefer. The copy of the order dated 20 January 2020 is annexed C1. मैंने representation C ठीक है, आपने तो C2 पेज नंबर 8 को दिया। C2 11 फरवरी को आपका कॉपी चली गई, उन्होंने रिसीव कर लिया अकॉर्डिंग। डिसाइड कब किया उन्होंने? डिसाइड नहीं किया,
अभी तक डिसाइड हुआ कि नहीं? 7/9/2020 डिसाइड नहीं किया, ऑन मेरिट पे नहीं किया, उनको ऑन मेरिट पे कर देते तो आप हम कंटेंप्ट लगाने का कोई आवश्यकता नहीं था। उन्होंने हमारे रिप्रेजेंटेशन को देखिए और कोर्ट ने क्या बोला उसको देखिए। को डिसाइड कब किया? डिसाइड नहीं किया सर, कंटेंप्ट लगाने पर डिसाइड किया 7/9/2020 को। 7/9/2020 को देखिए अनिक्षर आर वन है क्या, मेरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्लाई बैलेट्स रेस्पोंडेंट वन और टू रेस्पोंडेंट नंबर वन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रेस्पोंडेंट नंबर वन वन और टू को बोला था वन और टू टिल डेट तक आज तक डिसाइड नहीं किया, आज तक डिसाइड नहीं किया। वो रिस्पोंडेंट नंबर थ्री है जो डायरेक्टर है वो अथॉरिटी नहीं है हमारे ऑर्डर तो वन एंड टू को है ना सेक्रेटरी रेस्पोंडेंट वन एंड टू इज डिपार्टमेंट डिसाइड किया ही नहीं आज तक डिसाइड नहीं किया। एक और दो ने मेरे रिप्रेजेंटेशन को मैंने आज रिज्वाइंडर अटैच किया है, रिज्वाइंडर में मैंने पूरे सर्कुलर को दे दिया है, उसमें सर्कुलर को एक बार बोलना चाहूंगा मेरा प्रेयर सुन लेते दया होते भाई मेरे ऊपर। सर्कुलर था C4। अरे यहाँ पर मेरिट पे डिसाइड नहीं होगा, उन्होंने आपके रिप्रेजेंटेशन को चार माह के भीतर डिसाइड किया कि नहीं, इतना ही डिसाइड करना है यहाँ, बस इतना देखना है मेरिट के लिए। फिर अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो फिर अनदर कोर्स यू विल बी अडॉप्ट। सर ये ऐसे थोड़ा होता है, एक बार हम फर्स्ट राउंड में आए। आपने कब डिसाइड किया जो बोल रहे हैं ये रिप्लाई के साथ? वेयर इज कॉपी R1 माय लॉर्ड ऑफ रिप्लाई ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर वन, इट हैज बीन डिसाइडेड ऑन 7/9/2020 वेयर बाय हिज रिप्रेजेंटेशन हैज बीन रिजेक्टेड। What had happened in this case, my lord? My lord, may I submit, my lord? My lord, void order dated 20 January 2020. This court, my lord, para 4 and para 5, may kindly see, my lord. Para 4, my lord, relevant lines is, it is ordered accordingly, let the exercise concluded within period of 4 months from the date of receipt of certified copy of this order. It shall be respondent responsibility of the petitioner to bring the order of this honorable court to the notice to respondent 1 and 2 along with any fresh representation if they so advise. 5. It is made clear that this court has not expressed anything on merit of the case so far as the entitlement of the petitioner are concerned. Respondent shall be at liberty to take a decision independently. Milord, what had happened? The post of the petitioner is Milord Teacher LB Milord. The appointing authority of the teacher LB is the director.